इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। पीछे के दरवाजे की चाबी है। सुबह 6 बजे तक सब सो जाते हैं, तो ठीक मुझे 6:10 को मिलना दरवाजे। देख, ये एक ही मौका है यहाँ से निकलने का, ठीक है? हाँ। करीना, देख आ गया तेरा ग्राहक। अरे जाइए, हाँ जाइए जाइए, कोई कमी नहीं छोड़ना, खुश करके भेजना। हाँ, पता नहीं ऐसा क्या है तुम में जो मैं बार बार यहाँ खींचा चला आता हूँ। वो क्या आज हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? तुम्हारे पास आने में देर तो मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। आओ। धंधा मस्त चल रहा है ना तेरा? अरे क्या बात कर रही है, मुझे बोलना। बहुत कस्टमर है मेरे पास। अरे वो सोनू है, दिलावर, सब मेरे कस्टमर है। और ऐसे यही नहीं, बहुत है, 10% तो लूंगा। बोल, भेजू कस्टमर? अच्छा चलना, मैं बताता हूँ। तुम भी आ जाओ। मलखान, बता दो सबको क्या हुआ था। रंगीला ने इसे देख लिया, उसके बाद कान खोल कर सुन लो, ये मेरी लाल कुर्ती है, कोई सराय खाना नहीं। जब तुम्हारा दिल चाहे चले आओ, और नहीं तो चले जाओ। अरे एक एक लड़की को दाम देकर खरीदा है मैंने, दुगना दाम वसूल करके जाने दूंगी। अगर किसी ने मेरे मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत की तो उसका हाल ये हो जाएगा। और दूसरी बात, बिंदु नाम की यहाँ कोई लड़की थी ही नहीं, समझ गई ना? जोर से बोलो। खान, लो ये चाबी और लाल कोठी के सारे ताले बदल डालो। चलो जाओ तुम लोग अपने काम पे जाओ। मलखान, इसको ठिकाने लगा दे। कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं,
वो बस ऐसे ही। तुम्हारा असली नाम क्या है? क्या फर्क पड़ता है साहब? बताओ ना, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कोमल। यहाँ पर कब से हो? 2 साल से। यहाँ पर अपनी मर्जी से हो? क्या मजाक कर रहे हो साहब? यहाँ कोई लड़की अपनी मर्जी से होती है? यहाँ हर लड़की की एक कहानी है। मैं और मेरी छोटी बहन हमारे पापा के साथ एक शादी में आए थे यहाँ, और उसके बाद कभी वापस ही नहीं जा पाए हम। दीदी ध्यान से देख लो, अगला नंबर आप ही का है शादी का। बहुत नाचने वाली हूँ मैं आपकी शादी में। पीयू मैं अभी आती हूँ। अब लड़की का नामकरण कर देते हैं। बोलो बोलो क्या नाम रखने का है? हाँ, हीना, हसीना, करीना। कैसा लगा? हाँ, करीना। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल साहब, हाँ हाँ आइए आइए आइए, हाँ बिल्कुल। मलखान, लड़की के आने की खबर क्या मिल गई? कस्टमर की तो लाइन लग गई है। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? पापा, पापा कहाँ हैं मेरे पापा? पापा, पापा क्या कर रही है? हाँ, अरे तेरे पापा ही यहाँ आके तुझे छोड़ के गए। मुझे क्या लगा वो शादी में दावत खिलाने लाए थे तुझे? अरे बेचने लाए थे मेरे पास लाल कोठी में, और पैसा भी लेके गए है नकद। ए जानकी, चल तैयार कर इसको, 1 घंटे में ग्राहक आने वाला है। और तुम लोग चलो, सूरज ढलने वाला है, अपने धंधे का टाइम हो गया है। चलो चलो तैयार हो जाओ, चलो चलो लेके जाओ। चलो मलखान लेके जा सबको। बस उस रात के बाद जिंदगी इसी पिंजरे में काट रही हूँ। समझ में नहीं आता कोई बाप अपनी बेटी को यहाँ कैसे छोड़ सकता है। सौतेले बाप है वो मेरे। माँ ने दूसरी शादी की ये सोच के दोनों बेटियों को पिता का प्यार मिलेगा, अच्छी परवरिश मिलेगी कि नहीं। माँ के मर जाने के बाद उस बाप ने दिखा दिया अपने असली रंग। यहाँ दम नहीं घुटता तुम्हारा? क्या करूँ साहब, मैंने बहुत बार कोशिश की यहाँ से भागने की, लेकिन देखो अगर तुम चाहो मैं यहाँ से तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। नहीं, रहने दो साहब, अगर पकड़े गए ना ये लोग मुझे मार डालेंगे, और मैं जीना चाहती हूँ। ठीक है, चलता हूँ मैं। और हाँ, ये मेरा कार्ड है, कभी भी बात करने का मन करे तो कॉल करना।
लो एक और लड़की आ गई इस नरक में। किस्मत की मारी होगी बेचारी जो जिंदगी उसे यहाँ ले आई है। लड़की आई है, फोटो भेजती हूँ। अरे अभी तक नाम भी मैंने नहीं रखा है। अरे आप बताओ वही नाम रख देते हैं। हाँ। अरे सुनो सुनो सुनो, लड़की का नाम है मलाइका। इसे इसमें मत डालो, बहुत छोटी है ये अभी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसे छोड़ दो। छोटी कहाँ से, 18 साल की हो गई है, इसीलिए तो तेरा बाप यहाँ आके छोड़ के गया। अरे पैसा खर्च करती हूँ तब जाके मुझे लड़कियाँ मिलती है। मैं हूँ ना, मैं चुका दूंगी आपके सारे पैसे, और अब से ना मैं सुबह और रात दोनों टाइम के ग्राहक लूंगी। शुभ घड़ी में मातम मत मना मेरे कान में। ए मलकान, मिठाई बांट दो सबको और लड़की को तैयार करवा। ए रंगीला, ले बांट दे। डर और घबराहट से बेहोश हो गई थी। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ घंटों में उठ जाएगी। अब शीला दी, एक दो दिन थोड़ा आराम से। होश में आएगी तो समझा दे अपनी बहन को, काम तो उसे करना ही पड़ेगा। ये अगर नहीं करेगी ना तो अपना पैसा वसूल करने के लिए मुझे उसे दूसरे शहर में बेचना पड़ेगा। यहाँ पर रहेगी तो कम से कम तेरे साथ रहेगी। मेरी दोनों गुड़िया रानी को जो सर आंखों पे बिठा के रखेगा ना उसी परिवार में भेजूंगी मैं। राजकुमारियों जैसा जीवन होगा तुम दोनों का, देखना। एक सर्वेक्षण के मुताबिक हमारे देश में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं देह व्यापार के धंधे से जुड़ी हुई। कोमल भी उनमें से एक थी जो अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ लड़ते लड़ते थक चुकी थी, यहां तक कि हार भी मान चुकी थी। लेकिन जब कोमल की छोटी बहन सारिका को देह व्यापार के इस दलदल में घसीट लिया गया तब कोमल के जख्म ताजा हो गए। आइए देखते हैं कि अकेली और असहाय कोमल अपनी बहन सारिका को इस दलदल से निकाल पाएगी। घंटे के लिए इसे कहीं भी लेके जा सकते हो, लेकिन छोड़ने वापस यही आना होगा। क्या है ना, अभी तक लड़की कच्ची है, यहाँ का रास्ता नहीं जानती, और 6 घंटे के बाद एक भी घंटा हुआ तो अलग से पैसे देने पड़ेंगे। एक मिनट, मुझे ये दोनों चाहिए। एक रात के लिए दो दो? कोई दोस्त वोस्त भी है क्या साथ में? अकेला हूँ। ठीक है मलखान, और लड़कियों को लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, यही चाहिए। कौन, करीना? अरे ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है, पिंजरे से बाहर जाएगी तो उड़ जाएगी। अरे बहुत सारी लड़कियां हैं हमारे पास। पैसे और ले लो, लड़की यही चाहिए। आपके लिए पिंजरा खोल देते हैं। हाँ,
ले जाइए करीना को, लेकिन मलखान साथ में जाएगा। मलखान तू साथ में जा, और इनका हो गया तो वापस ले आना। ले जाइए करीना को। एक मिनट में अभी आई, तुम यहीं रुको। खत्म होने के बाद हमको बुला लीजिएगा, हम लड़कियों को ले जाएंगे, नीचे इंतजार कर रहे हैं। अरे यार सब गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? अरे मैंने तो सोचा था शहर के बाहर चले जाएंगे, वो तो इसके चक्कर में होटल आना पड़ गया। दीदी हमें वापस नहीं जाना, हमें नहीं जाना वहां पे वापस। सारिका तुम्हारी बहन ने मुझ पर भरोसा किया है ना, विश्वास रखो भरोसा तोड़ूंगा नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। Come in. हेलो सर, आप लोगों को कुछ चाहिए? नहीं। हाँ चाहिए, तुम्हारी मदद। सर, सर ये रूम नंबर 104 वाले साहब ने आपके लिए भेजा है। हाँ साहब, आपका काम मैंने कर दिया। उसने बॉटल ले ली है, बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हम जल्दी यहां से निकल जाएंगे। हो गए बेटा, मेरी एक कमजोरी है, अपनी शराब में अपने पैसे की खरीद के पीता हूं। तेरी बोतल को तो हाथ भी नहीं लगाया, ये देख। हट! शक तो हमको तुम पर पहले से ही था, तुमको क्या लगा कि बोतल में हमको उतार कर लाल कोठी से लड़की लेकर भाग जाएगा और हम तमाशा देखते रहेंगे? है? जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कैसे हो सकती है?
रोशन जी, हम यहाँ क्यों आए और ये कैसी जगह है? हमें निकलना चाहिए। कोमल, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन अब हम ये नहीं कर सकते। शीला के आदमियों को अभी तक पता चल चुका होगा कि हम भाग चुके हैं, और सबसे पहले उसके आदमी शहर के बाहर जाने वाले रास्तों पर नजर लगा के बैठे होंगे, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, सब जगह पर। एक काम करते हैं, कुछ दिन यही रुकते हैं, जैसे मौका लगेगा भाग जाएंगे। आओ। रोशन जी, पुलिस को जाके सब कुछ बता देते हैं। कैसी बातें कर रही हो कोमल, हमें कुछ नहीं पता शीला के साथ में कौन कौन मिला हुआ है। पुलिस में जाने का मतलब है खतरा। अगर तुम दोनों को ही अंदर रख लिया तो? देखो कोमल, तुम दोनों यहाँ पर सुरक्षित हो। ये मेरे दोस्त का ही घर है जो शहर में नहीं है अभी। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन कोमल हमें अपना ध्यान अपने डर से हटाना होगा। तुम दोनों यही रहो कुछ दिन, मैं आता जाता रहूंगा। और हाँ, मेरे अलावा किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। कुछ लोगों को लेकर जाओ, उसका फोटो रेलवे स्टेशन, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर लगा दो। जाओ। बड़े डिंगे पीट रहे थे ना तुम, उम्र हो गई है तुम्हारी, अब लाल कोठी के लिए मुझे कोई और सिपाही ढूंढना पड़ेगा। शीला भाई, इस गांव को हम भरने नहीं देंगे जब तक उन लोगों को ढूंढ नहीं लेंगे ना, चैन से बैठेंगे नहीं। आपने हम पर भरोसा किया है ना, तो उस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। सारिका, सारिका उठना, उठ जा। तबीयत कैसी है तेरी, दिखा बुखार कैसा है? ठीक हूँ। ये ले दूध पी ले, और दवाई भी खानी है तुझे। अरे दवाई तो खत्म हो गई। एक काम कर, तू नाश्ता कर ले, मैं दवाई लेकर आती हूँ। सेब याद से खा लेना, मैं आती हूँ। मत जाओ ना दीदी। आती हूँ, दवाई लेकर आती हूँ, ठीक है? इंस्पेक्टर दिलीप शुक्ला, मुझे एक बात बताओ, तुम यही रहते हो ना? ये कोमल अग्रवाल है और ये सारिका अग्रवाल, इन दोनों कहीं देखा है आस पास कहीं? थोड़ा देखो, ध्यान से देखो, तुम जाओ उधर देखो जरा। इसीलिए मैं पुलिस में नहीं जाना चाहता, मुझे पता था यही सब होने वाला। लेकिन रोशन जी, पुलिस हमारे पीछे क्यों पड़ी है? कोमल, तुम शीला जैसे लोगों को जानती नहीं हो, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। अब क्या होगा? शीला से निपटने के लिए हमें ऐसा आदमी तलाशना होगा जिसकी पहुंच उससे भी ज्यादा हो, जो तुम दोनों को यहाँ से निकाल के भी ले जाए और पुलिस कुछ ना कर पाए। मैं ऐसे एक आदमी को जानता हूँ, लेकिन हर आदमी ये काम सिर्फ पैसे के लिए करेगा, और पैसे है नहीं हमारे पास। कितने पैसे चाहिए होंगे? मेरे पास कुछ पैसे हैं, लाल कोठी से निकलते वक्त मैं कुछ पैसे लेकर आई थी। कोमल, उतने से नहीं होगा, कम से कम लाख से सवा लाख रुपए चाहिए होंगे। कोमल, मेरे पास एक तरीका है पैसों के इंतजाम करने का, अगर तुम तैयार हो तो। रोशन जी, आप जानते हैं अपनी बहन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तैयार हूँ, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना।
मुझे बाकी के पैसे मिल गए। आप ऐसे और ग्राहक ढूंढिए रोशन जी, जितना जल्दी हो सके मुझे और पैसे चाहिए। मुझे कैसे भी करके अपनी बहन को शहर से बाहर निकालना है। ठीक है, मैं एक एजेंट से बात करता हूँ जो हमें ग्राहक दिलाने में मदद करेगा। कोमल, तुम जो कर रही हो ना अपनी बहन के लिए, आज के जमाने में कोई नहीं करता, और इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। आप यहाँ? हाँ वो कुछ काम था, लेकिन चलो। नहीं बोलिए ना, क्या बात है? दलाल का फोन था, एक ग्राहक है रात के लिए इसी होटल में, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए रहने दो। कितने पैसे देंगे? 15। मैं जाऊंगी। कोमल एक रात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, आराम कर लो आज। मैं जाऊंगी, आप बात कीजिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल दे ग्राहक को। और रूम नंबर क्या है उसका? 305। दरवाजा खुला है, आ जाओ। आ गई, चल बैठ जाओ। पुलिस। मुझे मालूम था तुम ऐसे ही किसी होटल के कमरे में मिलोगी। ले चलो इसको। मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुनिए है ना, वो मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? वो फोटो, तुम रोशन हो ना जी? तुम ही इन दोनों लड़कियों को भगा कर लेकर आए हो ना? इसकी छोटी बहन कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब मैंने भगा के नहीं लेकर आया हूँ, गलत जानकारी मिली है आपको। हमारे पास पूरी रिपोर्ट है, ये दोनों लड़कियाँ शीला भाई के रिश्तेदार हैं जिसे तुम भगा कर लेकर आए थे। एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो। चलो। वो शीला ने गलत रिपोर्ट लिखाई, वो लाल कोठी में लड़कियों का देह व्यापार कराती। इंस्पेक्टर साहब मैं इसे बचा के लेकर आया हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, पूछ लीजिए आप। सच बोल रहा है? हाँ सर ये सच कह रहे हैं, यही तो कब से मैं आपको कह रही हूँ सर। मैं और मेरी बहन, हम दोनों से जबरदस्ती। जबरदस्ती? लेकिन हम कैसे मान? एक काम करो, तुम और तुम्हारी बहन दोनों थाने चलो, शीला को भी वहीं बुलाते हैं, फिर मालूम चल जाएगा कि सच कौन बोल रहा है। तुम हमारे साथ चलो। चल। कितने पैसे दिए शीला ने? क्या बोला? बोल, हम उससे ज्यादा देंगे। पहली बार काम की बात की है तुमने, कितना दोगे? 2,00,000। हम एक देंगे, लेकिन इसे अभी के अभी छोड़ना होगा और वादा करना होगा कि वापस इसे नहीं पकड़ोगे। ठीक है, वादा करते हैं, अगर पैसे नहीं मिले ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 25 अभी देता हूँ, इसे जाने दो, बाकी के मैं दे दूंगा। ठीक है। चल जा। चल अब इसमें से 5 रख और 20 दे। अरे रोशन भाई 5,000 में नहीं होता। अरे
अरे 2000 रुपए गाड़ी का पकड़ लो, फिर कपड़े जूते, अब साथ में वाइफ भी यार। ये पकड़, बहुत लंबा चलने वाला नाटक है। बहुत कमाएगा तू। रोशन भाई लेकिन मान गए भाई तुम्हारे खुपड़ी को। कोमल जिसे अपना शुभचिंतक समझ रही थी, वो बड़ी चालाकी से अपने फायदे के लिए इस देह व्यापार के धंधे में उसे और भी गहरे धकेलता जा रहा था। रोशन जैसे लोगों की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, जो कि कोमल और सारिका जैसी मजबूर लड़कियों का शोषण करके अपनी जेब भर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कोमल इस आस में थी कि रोशन उसको और उसकी बहन सारिका को इस मुसीबत से निकलने में उनकी मदद करेगा। आखिर क्या होगा जब कोमल की उम्मीद टूटेगी? क्या हुआ दीदी? माँ की बहुत याद आ रही है। देख, मेरे साथ जो हुआ वो ठीक है, लेकिन मैं तुझे अच्छी जिंदगी दूंगी, ये वादा है मेरा। और पता है, रोशन जी है ना, उन्होंने नई नौकरी दिलवाई है, थोड़े ही दिन में पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। और बस करो कोमल, और कितना झूठ बोलोगी अपनी बहन से, किस मिट्टी की बनी हो तुम? सारिका, तुम्हारी बहन जो कर रही है ना, उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू नहीं रुकते। रोशन जी प्लीज, इसे कुछ मत बताइए। नहीं कोमल, बोलने दो मुझे। मैंने इसे कोई नौकरी नहीं दिलवाई है। आज मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी बहन कर क्या रही है। और अब तक हमने जितने भी पैसे इकट्ठे करे थे सब चले गए पुलिस वाले से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन इसकी हिम्मत अभी भी टूटी नहीं है। मैं जानता हूं ये अपने आप को फिर उस देह व्यापार की भट्टी में झोंक देगी तुम्हें बचाने के। हाँ करूंगी, अगर ये रास्ता है तो ये करूंगी। लेकिन कोमल, हमारे पास टाइम नहीं है, उस पुलिस वाले पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमारे पैसे देने के बावजूद भी वो शीला के सामने अपना मुख खोल सकता है। हमें जो करना है अभी करना है। और क्या कर सकते हैं हम? 1 लाख रुपए कहां से लाएंगे? एक दलाल का फोन आया था मेरे पास, एक ग्राहक मिला है, 50,000 देने के लिए तैयार है, लेकिन लेकिन क्या? मैं जाऊंगी। वो तुम्हारे लिए नहीं, सारिका के लिए 50,000 देने के लिए तैयार हुआ है। रोशन जी, ये आप सोच भी कैसे सकते हैं? कोमल, तुम्हें 1 लाख इकट्ठा करने के लिए 8 दिन लग गए थे, हमारे पास इतना समय नहीं है। जिस बहन को बचाने के लिए ये सब किया, डाल दो उसे धंधे में, वो नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी। सारिका, तू अंदर जा। नहीं दीदी, मैं जाऊंगी। अगर आप मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती हो तो फिर मुझे भी। अंदर चल, जब तक तेरी बहन जिंदा ना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो, आपको मेरी कसम है। क्या क्या सुनूं मैं? प्लीज मुझे माफ करना दीदी, प्लीज। सारिका, सारिका नहीं, सारिका ये तुमने गलत किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। सारिका प्लीज, सारिका दरवाजा खोलो। सारिका, मैं तैयार हूं चलने के लिए। कहां चलना है? क्या किया तूने? क्यों किया बता मुझे सारिका, तूने क्यों किया ये?
अरे तुम, सब ठीक तो है? पता नहीं रोशन जी, कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन अब जो भी है डर खत्म हो गया। मतलब? मतलब मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ। पागल हो गई हो? शीला के आदमी तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। तो क्या रोशन जी, और कुछ रहा ही नहीं बचाने को? सोचा था अपनी बहन को इस सब से बचा लूंगी, लेकिन उसकी भी इज्जत, और शीला में पकड़ भी लेगी तो क्या, मार डालेगी ना? मार दे कोमल, सब ठीक हो जाएगा। तुम इधर आओ, आराम से बैठो। अरे रोशन भाई, कोमल तुम? अब मैं सब समझ गई। मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं है ना जो पैसे लेके हमें शहर से बाहर निकल सकता है। इसका मतलब तुमने मेरे साथ इतने दिन जो भी किया वो सिर्फ पैसों के लिए किया। तुम इतने घिरे हुए हो, तुम ही कहते थे ना मुझसे कि तुम मुझे इन सब से बाहर निकलना चाहते हो, और तुमने ही मुझे दोबारा इस दलदल में डाल दिया। झूठ, मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हें लाल कोठी से निकालूं। देव व्यापार से निकालने की बात नहीं हुई थी, और करोगी भी क्या तुम? वैसे लाल कोठी में कितना कमा लेती थी तुम? 1,000-2,000, ग्राहक बहुत ज्यादा खुश हो गया तो 3,000। यहां पर एक रात के 15,000-20,000 दिलवाता हूं मैं, और तेरी बहन को 50,000 दिलवाया है। वैसे अच्छा हुआ कि तुझे सब कुछ पता चल गया। अब आराम से तुम लोग भी कमाओ, मुझे भी कमाने दो। तू तो शीला से भी नीच निकला। वो जो है जैसी है, सामने दिखाई तो देती है, लेकिन तू पीठ पीछे औरत की कमाई खाने वाला दलाल निकला। मुंह बंद रख अपना, और मैं जैसा बोल रहा हूं ना वैसा कर। रात को दोनों बहनें तैयार हो जाना, जिस ग्राहक के पास बोलूंगा जाना पड़ेगा, और अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो शीला को जाके सब कुछ मैं बता दूंगा। फिर तेरे और तेरी बहन के कितने टुकड़े करेगी तू सोच भी नहीं सकती। हेलो, मैं जहां भी हूं लाल कोठी वापस आना चाहती हूँ। करीना, मैं जान गई हूँ कि मैं और मेरी बहन इस शहर से बाहर नहीं निकल सकती, और अगर हम दोनों के लिए कोई सुरक्षित जगह है तो वो लाल कोठी है। दिलीप भाई, अपने को लड़कियां और चाहिए, कस्टमर बोर हो रहा है अपना। अरे अरे शीला भाई, आपको इधर आने की क्या जरूरत थी? मैं तो आने वाला था ना आपके पास में। खैर अच्छा हुआ आप आ गई। शीला भाई, मेरे को ना बहुत अफसोस है जो मुझे ना उस कोमल की बात माननी नहीं चाहिए थी, पर मैंने उन दोनों को कैद करके रखा है। अब चलो मैं लेके चलता हूँ आपको, आओ। ये दोनों लाल कोठी आने के लिए राजी है। सिर्फ एक शर्त है उनकी, मार दो तुम लोगों को। मैं भी तो यही चाहती थी। हाँ, धोखा दिया है ना तुमने मुझे। शीला भाई ऐसा मत कीजिए ना, कितने समय से आपको जानता हूँ, है ना? मैं भी तो उनसे वही काम करवा रहा था जो आप करवाते हो। देखो, मैंने इनसे बहुत पैसा कमाया, बाकी तू एक मिनट, ये लो ना आप। अरे शीला भाई, आप भी, सारे के सारे आपके। हाँ।
मलखान ले चल दोनों को। जिंदा? हाँ तो इतने पैसे खर्च किए इन पर, वसूल भी तो करने हैं। और इज्जत गया वो है? लाल कोठी से लड़कियां एक बार बाहर गई तो जिंदा वापस नहीं आ सकती। बात तो तेरी भी ठीक है, एक काम कर, छोटी को छोड़ दे। हाँ? नहीं, नहीं, यही सब बरसात की जड़ है, इसे मारो, इसकी लाश लेकर चलते हैं ताकि सब लड़कियों को सबक मिलेगा। कोमल, तेरा काम खत्म। शीला भाई, तुम्हें फोन करने से पहले इस लड़की ने हमें फोन किया था। तुम लोगों को यहाँ बुलाना हमारे प्लान का एक हिस्सा था। ले चलो इन सबको, इन लाशों का पंचनामा करवाओ। शीला और उसके ग्रोह को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने लालकोटी में भी रेड डाली और वहां फंसी बाकी लड़कियों को भी आजाद करा दिया। शीला और मलखान के खिलाफ बिंदु और उसके जैसी कई लड़कियों को मारने के सबूत मिले, इसके चलते उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। साथ ही साथ देह व्यापार में उनका साथ देने वाले भी दोषी करार माने गए और कानून ने उन्हें भी सख्त सजा सुनाई। कोमल ने अपनी बहन को बचाने की जद्दोजहद में कई और जिंदगियां भी बचा ली। देर से ही सही, लेकिन इन परिंदों को इस पिंजरे से आजादी मिली गई। कोमल एक प्रेरणा है हर उस लड़की के लिए जो कहीं ना कहीं देह व्यापार के धंधे में कैद है। जरूरत है एक हिम्मत भरा कदम उठाने की। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची और रोमांचक घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।